एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के दो पेपर आपके होने वाले हैं। ऑलरेडी इसके सिलेबस क्या है अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, जाके एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले पेपर टू जो आपका है, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। क्या नाम है? जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिकल बुक मार्केट में अवेलेबल है। मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे अफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं वहाँ, अगर आप उनका आपका एडमिशन है तो मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे भी ऑलरेडी जो बीएससी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बीएससी जो सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका, सबका सिलेबस लगभग सेम हो गया है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो अभी आप एक बार अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। सिलेबस जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है उसी को फॉलो करके हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, मैथमेटिकल मेथड, जो पेपर सेकेंड आपका है, ठीक है। ये वंदना प्रकाशन की बुक है, मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली ये बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड, इसमें चार यूनिट आपको पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट यूनिट में लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करना है, टेलर्स थ्योरम डिस्कस करना है, हाँ, टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करना है, वन वेरिएबल नहीं, टू वेरिएबल, ठीक है। लैग्रैन्जियन मल्टीपल मेथड क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट में ये डिस्कस करना है। सेकेंड यूनिट में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में पीरियाडिक फंक्शन है, फोरियर सीरीज है, जो बीएससी थर्ड ईयर का एक कॉम्प्लेक्स क्लासेस का एक पार्ट हुआ करता था, अब ये थर्ड सेमेस्टर में आ गया है, ठीक है। और उसके बाद फोर यूनिट जो आपका है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, जो बीएससी थर्ड ईयर का ही ये जो पेपर सेकेंड था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वही है। तो देख बाय यूनिट वाइज देख लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड यूनिट फर्स्ट में आपको चैप्टर वन लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ना है, सेकंड डिफरेंसिबिलिटी एंड टेलर सीरीज फंक्शन पढ़ना है, थर्ड आपका मैक्सिमा मिनिमा है, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो ये चार चैप्टर जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा चैप्टर है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसमें नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो सेकेंड यूनिट में तीन चैप्टर आपको कवर करना है। थर्ड यूनिट में अकेला ही फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फोरियर सीरीज है, जिसको हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटली ये मैक्सिमम पार्ट इसमें है बीएससी थर्ड ईयर का ही है, कॉम्प्लेक्स क्लासेस से लिया गया है, कुछ पार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का लिया गया है, कुछ पार्ट सेकंड ईयर से लिया गया था। और फोर्थ यूनिट जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, उसके बाद सीएसआईआर नेट गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से ठीक ठाक क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, ये पेपर जो है आपका सेकेंड है, फर्स्ट जल्दी उसके लिए हम लेके आएंगे। अभी हम फिलहाल इसी बुक यानी पेपर टू जो है इसी में से कोई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, या यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करें या यूनिट सेकेंड स्टार्ट करें, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो न्यूमेरिकली है ये जल्दी आपका हो जाएगा, कैलकुलस करना है बस, ज़्यादा फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका यूनिट सेकेंड यानी चैप्टर फाइव जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके वजह से लेक्चर नहीं आ रहा है, तो देखते हैं जैसे हो सके, जिस तरह से भी हो सके कोशिश करेंगे कि लेक्चर आए, ठीक है। और आप ज़्यादा परेशान न होइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी बंद है अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, बंदा प्रकाशन का मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। और
ये मार्केट में अवेलेबल है और हम लोग यूनिट सेकेंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में भी बहुत ईजी है, तो अलजेब्रा में भी हम जल्दी उसका पेपर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो बता दिया जाएगा और उसमें भी स्टार्ट किया जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपका थर्ड सेमेस्टर जो है मैक्सिमम कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये ऑलरेडी बीएससी फर्स्ट ईयर जब ईयरली एग्जाम होता था तो पेपर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, अब ये थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे पेपर सेकेंड मैथमेटिकल मेथड। तब तक थैंक यू, बाय।